अभी जैसे हम लोग पहले एक एक को प्रार्थना कर रहा था, अभी भी एक एक को हम प्रार्थना करेगा। अभी प्रार्थना क्या करेगा, इस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का वरदान वरदान जो है उसको उसको क्या बोलता है, उनको रिलीज करना, उनको खुलने के लिए प्रार्थना। और आप एक व्यक्ति को जो प्रार्थना करते वक्त बाकी लोग पवित्र आत्मा से पूछो, हे पवित्र आत्मा इसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए, तो पवित्र आत्मा कुछ संदेश देगा, कुछ दर्शन देगा, नहीं तो कुछ शब्द देगा, नहीं तो वचन देगा। वो आप उनसे कहिए, कहने वक्त वो बोलेगा हाँ वो तो बराबर है। जैसा कि एक उदाहरण, एक व्यक्ति को ऐसा एक दर्शन मिला, अरे तुम 10 साल की उम्र पर साइकिल में गिरा है। 10 साल की उम्र पर, हाँ सही बात है, और साइकिल का गिरा है, उसके बाद तुम कभी साइकिल में चैन चला क्योंकि तुमको डर हो गया। हाँ वो बात सही है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हमारा जीवन का घटना दिखाई पड़ेगा। अच्छा, वो जो ग्रुप है आप दो ग्रुप बनाइए, ज़्यादा लोग हो गया, दो ग्रुप बनाकर ऐसा करो, दो ग्रुप बनाइए वो लोग, हैं समझ में आना, तो चालू करो जल्दी। पहले पवित्र आत्मा से निमंत्रण दे दो, हे पवित्र आत्मा उतर आइए, हमें वरदान दीजिए, चालू करो। यस स्टार्ट स्टार्ट।